हेलो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 11 और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है टूल्स। टूल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है वर्डप्रेस डैशबोर्ड में, तो इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और इनको किस तरीके से हमको यूज़ करना है। तो हम आ गए हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में प्लगइन्स के नीचे आपने लास्ट वीडियो में यूजर्स के बारे में समझा था, अब हम देखेंगे यहाँ पे टूल्स। तो टूल्स पे आप जैसे ही माउस लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, जैसे कि अवेलेबल टूल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्प, देन एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन आपको जो सबसे पहला जो ऑप्शन मिलेगा दैट इज़ अवेलेबल टूल, तो इसका जो फीचर है, इफ़ यू वॉन्टेड टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज और टू टैग और वाइस वर्जा, यूज़ दी कैटेगरीज एंड टैग कन्वर्टर। ओके, सो अवेलेबल टूल मीनिंग यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें करने की ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट, अगर आपको कुछ इंपोर्ट करना है देन यू शुड गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। ठीक है, इंपोर्ट आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि पोस्ट है, कमेंट्स हैं, यूजर्स हैं फ्रॉम योर ब्लॉगर और ब्लॉग। ओके, देन आप कैटेगरीज एंड टैग्स को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देन आपका कुछ लाइव जनरल चल रहा है उसको भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, इन सबको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस देख रहे हैं, यहाँ पे इसको भी इसका मतलब सारा कुछ आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप पोस्ट हो गए, पेजेस हो गए, कमेंट्स हो गए, देन आपके कस्टम फील्ड्स हो गई, कैटेगरीज हैं, तो ये सारा का सारा इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट इसलिए करने की ज़रूरत भी होती है कभी कभी, जब हम कंटेंट को माइग्रेट करते हैं तब ये सारी की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, अगर आपको माइग्रेट करना है तो। एक्सपोर्ट पर अगर आप क्लिक करेंगे देन यू विल सी आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से पोस्ट, पेजेस एंड मीडिया फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है, देन यू कैन सिंपली चूज ऑल कंटेंट। और अगर आपको जैसे पोस्ट अकेला करना है तो पोस्ट पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको कैटेगरी चूज करना है, ऑथर चूज करना है। अगर आपको कुछ सारा कुछ पोस्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली पोस्ट पे क्लिक करके आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपका जो डेटा है ये देखिए वो XML फॉर्म में डाउनलोड हो जाता है, और जब आप इसको माइग्रेट करना चाहते हैं किसी दूसरी वेबसाइट में तो वहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सपोर्ट का। ओके, आपको अगर सारा का सारा वेबसाइट का डेटा एज XML फाइल में करना है तो वो आप XML फाइल में डाउनलोड करना है तो आपको सिंपली ऑल कॉन्टेंट पर क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन दिस एक्सपोर्ट फाइल। ओके, और ये सारा का सारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा एंड देन आप इसको कहीं दूसरी उस पर वेबसाइट पर डाल सकते हैं। देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है साइट हेल्थ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्कैनिंग अभी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साइट की हेल्थ है दैट इज़ गुड। क्या दिया हुआ है कि टू रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट। ओके, तो यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरी जो थीम्स हैं कौन कौन सी इनएक्टिव है। यहाँ पे आप देखिए कि ये तीन थीम ऐसी हैं जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज जो एक्टिव थीम है मेरी वही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव और यहाँ पे ये सारी इनएक्टिव है, तो ये एक्टिव थीम को छोड़कर इनका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए कि अननेसेसरी के अपडेट्स आ रहे हैं और मैं इस पर्टिकुलर थीम को यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा, यहाँ से जाके आप डिलीट कर सकते हैं एंड देन अगेन यू नीड टू क्लिक द सेम, फॉलो द सेम प्रोसेस। फिर हमने क्लिक करके डिलीट कर दिया है, यहाँ पे भी हम इस पर जाएंगे और ये डिलीट पे क्लिक कर देंगे और ये डिलीट हो गया। ओके, एंड अभी हमारे इस पर्टिकुलर इसमें अभी सिर्फ एक ही थीम चल रही है, वो जो कि हमारी ब्लॉग की थीम है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ओनली पार्ट्स ऑफ योर साइट्स आर यूजिंग HTTPS, यू आर एक्सेसिंग द वेबसाइट यूजिंग HTTPS, बट वर्डप्रेस एड्रेस इज नॉट यूजिंग नॉट सेटअप टू यूज HTTPS बाई डिफॉल्ट। तो हमें ये वर्डप्रेस का जो एड्रेस है, अब ये सब हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बता रहा है, तो इनको चेंज करने का जो ऑप्शन है वो दूसरे सेटिंग्स के अंदर आपको मिलेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे हमें करना है। ओके, बट आपको इस पर्टिकुलर ऑप्शन से आपकी साइट के डेटा इंपोर्ट करने के लिए, साइट की हेल्थ चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप इसको यूज़ करिए, देर आर सो मेनी प्लगइन्स विच आर अवेलेबल जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और जो ऑप्शन दिया हुआ है वो एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा। ठीक है, तो अब जो भी आपका पर्सनल डेटा है वो आपको सिंपली यहाँ पर आपका ईमेल आईडी डालना है और सेंड किस पे क्लिक करना है और
यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम और ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं एंड देन सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे. सो द डेटा विल बी यू नो सेंट ऑन योर ईमेल आईडी. सेम विद इरेज पर्सनल डेटा के साथ आप कर सकते हैं. क्लिक करिए एंड सेंड कर दीजिए एंड देन इसके बाद डेटा इरेज हो जाएगा. तो इस टूल में बस इतना ही, इस टूल के साथ सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत बेहतरीन वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो आप उसको ज़रूर देखिए, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं. उसके अंदर हम समझेंगे कि आप अपने वेबसाइट के यूआरएल को एसईओ फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं. देन इसके बाद हम समझेंगे कि आप अपनी वेबसाइट के जो डिफ़ॉल्ट एड्रेस में HTTPS कैसे लगाएंगे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेजेस कैसे सेट कर सकते हैं. राइटिंग के बारे में हम समझेंगे, बेसिकली सेटिंग्स के अंदर जो सारी चीज़ें हैं इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ यू नो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.